अंडमान निकोबार द्वीप समूह के महामहिम उपराज्यपाल महोदय, फर्स्ट लेडी श्रीमती भवनी सिंह जी, मंच पर विराजमान विशेष अतिथि, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे बताया गया आज हमारे लिए रिलेटेड डे है अंडमान के लिए। जब इतने सालों बाद पुनः यहाँ सी प्लेन का इंट्रोडक्शन हो रहा है, इस बार ये सी प्लेन का हिस्ट्री सुनामी से जुड़ा हुआ है। सुनामी के बाद जो धक्का पहुंचे द्वीप समूह को, तो भारत सरकार ने एक टीआरपी स्कीम बनाया, सुनामी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। इसमें पुनर्निर्माण तो होना ही था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा था, लोगों की जिंदगी टूटी थी, साथ साथ विकास और डेवलपमेंट को मिलाना था। उसके दिन सोचा गया कि पर्यटन एक ऐसा फील्ड है फिशरीज और कई के साथ जहाँ निर्माण की गुंजाइश काफी है, मगर पर्यटन का मतलब ये नहीं है एकदम अनकंट्रोल्ड हैफेजेड ग्रोथ। इसका मतलब है कंट्रोल तरीके से अपना हमारा जो संसाधन है नेचर उसका पूरा फायदा उठाते हुए, मगर उसका दुरुपयोग ना हो, उसको नुकसान ना पहुंचे। उसके लिए सोचा गया कि सीटें एक ऐसा एसेट रह सकता है जो अगर कमर्शियली चलाया जाए और प्रोफेशनली चलाया जाए तो आइलैंड के लिए काफी फायदा होता है। इसमें कई साल से प्रशासन से लगी हुई थी, एनजी साहब ने कई बार मीटिंग ली है, देखने इंश्योर करने के लिए जो भी हम करेंगे अच्छी तरीके से करेंगे। जैसे मैंने कहा कि प्रोफेशनल वे में चलाया जाएगा, कमर्शियल वे में चलाया जाएगा, अलग से हम सोच सकते हैं प्रॉपर सी लिंकेजेस बिटवीन द आइलैंड इंप्रूव करने के लिए, बेटर शिप्स, बेटर प्लेन। पर पर्यटन के मामले में अगर पर्यटक आए उनको भी पूरा मौका मिले हमारे सौंदर्य देखने का, और मौका मिले उनको जो कि दूर दूर से आ रहे हैं, जिनके बड़ा यूनिक आइलैंड है, उनके लिए खास तौर पर रखा जाएगा, एंड दे विल हैव टू पे फॉर इट एंड एंजॉय द बेनिफिट ऑफ लुकिंग एट द एंगल्स फ्रॉम सच अ गुड एंगल। इस मौके पर शुरू में मैंने कहा हमारे रिलेटेड डे है कि एलजी साहब आज इनॉग्रेट करेंगे, और सर्विस जहाँ होगा जल्दी से जल्दी शुरू की जाएगी, एंड आई कंग्रेचुलेट एवरीबडी कंसर्न्ड हु हैज वर्क हार्ड फॉर द लास्ट टू इयर्स इन बिगिनिंग दिस डिजाइन। धन्यवाद।